विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जो जेएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा प्रकाशन के इंतजार में हैं, क्या परीक्षा का प्रकाशन होगा। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी अब चुनाव आयोग गई है। निर्वाचन आयोग में बीजेपी ने एक पत्र लिखा है और आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कहा है कि फिलहाल परीक्षा के प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगा दी जाए जब तक राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके अलावा ये भी कहा कि कई छात्रों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है, इस परीक्षा पर सवाल उठाए हैं, इसलिए भी रोक जरूरी है। साथ ही इसे लेकर हाईकोर्ट में PIL भी दायर की जा चुकी है, इसलिए अभी फिलहाल प्रकाशन पर रोक लगनी चाहिए। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का भी हवाला दिया है कि जब हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई उस वक्त वहां पर कोई भी नियुक्तियों के लिए प्रकाशन परीक्षा का नहीं किया गया है, परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। तो अब जब इस परीक्षा पर लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, रद्द करने की मांग की जा रही है, वहीं कई अभ्यर्थी या एक गुट ऐसा भी होगा जो परीक्षा परिणाम के इंतजार में होगा। तो अब फिलहाल बीजेपी भी गई है और उसने परीक्षा के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, CGL की परीक्षा लगातार विवादों में रही। पहली बार जब परीक्षा 8 साल के बाद जनवरी में हुई उस वक्त भी विवाद हुआ, फिर परीक्षा स्थगित हुई, दोबारा परीक्षा ली गई, ये भी विवादों से ही विवादित रही है परीक्षा और परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच में। अब बीजेपी जब निर्वाचन आयोग गई है, लेटर दिया है वहां कि परीक्षा का परिणाम प्रकाशित ना किया जाए जब तक राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, तो अब छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लगातार सीजीएल पेपर होने के बाद, बता दें कि सीजीएल पेपर 21 और 22 सितंबर को हुआ था, उसके बाद लगातार जेएससी का सीजीएल का जो ये जो एग्जाम था वो विवादों में चल रहा था। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह भी किया। 30 सितंबर को लगभग हजारों की संख्या में लोग जेएससी कार्यालय के समीप पहुंच के वहां नारेबाजी भी किया, प्रदर्शन भी किया, और साफ तौर पर उनका कहना था कि सीजीएल का जो ये पेपर है वो लीक है और इसे एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी आंदोलन पर थे, जहां कोर्ट भी पहुंचे, हाई कोर्ट भी पहुंचे और तमाम राज्यपाल से भी मिले, CM से भी दरख्वास्त किया कि कैसे भी करके यह एग्जाम कैंसिल हो और CBI की जो है वो जांच हो। अब उसके बाद अब बीजेपी ने एक लेटर लिखा है और चुनाव आयोग के पास कंप्लेन भी किया है कि यह जो परीक्षा फल यानी कि जैसे सीजीएल का जो परीक्षा फल है वह आचार संहिता लागू होने के बाद यानी कि अभी अब जो है वो प्रकाशन नहीं किया जाए। इसको लेकर के जो छात्र हैं वो कोर्ट में भी गए हैं और छात्र भी जो है निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं, उनका भी यही कहना है कि किसी भी हालत में जो है यह जो परीक्षा फल है वो घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उनका उन्होंने हवाला दिया है, चाहे बीजेपी एक लेटर पे जारी करके फिर उसने यह हवाला दिया है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि हरियाणा में जब आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद कोई भी परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया। इसको लेकर के झारखंड में भी यही होना चाहिए और सीजीएल का जो या एग्जाम का जो रिजल्ट है अभी जब तक आचार संहिता खत्म नहीं हो जाता तब तक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जी, तो यानी अभी फिलहाल चुनाव तक तो परीक्षा का प्रकाशन नहीं होगा, लेकिन कई और चीज़ें भी हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी PIL दायर किया गया है, याचिका दाखिल की गई है और लगातार छात्र ये मांग उठाते रहे हैं कि इसकी जांच हो। इन सब के बीच में क्या लगता है कि JSSC ने तैयारी की थी परीक्षा फल के प्रकाशन की? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे सीजीएल एग्जाम हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद जो पहला आंसर की है वो जारी कर दिया गया। इसको लेकर के छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला और छात्र लगातार यही कह रहे हैं कि कैसे भी करके परीक्षा या जो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए। उन्होंने कई एविडेंस भी लेकर के JSSC कार्यालय भी पहुंचा था और कार्यालय पहुंचने के बाद जो एविडेंस दिया था उसको लेकर के उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब जो JSSC के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो भी एविडेंस आया था वो ब्लैंक था, वो साक्ष्य जो है वो मतलब सही नहीं है। अब इसको लेकर के छात्र का साफ तौर पर कहना है कि सही तरीके से जांच हो, CBI जांच हो, हमने सारा चीज दे दिया है लेकिन JSSC मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्र जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीट बेचने की भी बात हो रही है। अब ऐसे में जो छात्र हैं और अब BJP भी इनके सपोर्ट में आ गई है और BJP ने एक कंप्लेंट किया है निर्वाचन आयोग में जाकर के कि कैसे भी करके ये एग्जाम का जो परीक्षा फल है, परीक्षा जो हुआ है उस परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो, क्योंकि
इसमें छात्र जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक का, और उन्होंने एविडेंस भी दिया है इसको लेकर के, साफ तौर पे किसी भी प्रकार से यह परीक्षा फल जो है वो घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब जब बीजेपी निर्वाचन आयोग गई है, अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा फल का प्रकाशन ना हो, क्योंकि राज्य में आचार संहिता लागू है, इस परीक्षा को लेकर ही कई सवाल उठाए गए थे। अब उसे देखते हुए अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, हालांकि लगता नहीं है पर आचार संहिता के बाद यहाँ परीक्षा परिणाम इस का घोषित किया जाए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।